असल खावा हजरात चैनल पर आने का बहुत बहुत शुक्रिया अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल के आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोज़ की अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सकें देखो खान तुम तो मेरे इलाके के सबसे बड़े दादा का बेटा है आगा जान को हम अपने बाप की तरह मानता बेहतर है तुम अपने फैसले पर नजर सानी कर लो तो बाद में तुम्हारे हालात ख़राब हुए तो उसके ज़िम्मेदार सिर्फ तुम उगए गुल खान उसके सामने खड़ा नरम लहजे में कहने लगा तुम भी सुन लो गुल खां यह तस्मीर खान हो आगा जान का शेर पोता मैं किसी कीमत पर तुम्हें ये ज़मीन नहीं दूंगा उसके लिए फिर तुम्हें चाहिए पुलिस में जाओ या अदालत में लेकर मैं अपनी बात से फिरने वाला नहीं हूँ तस्वीर पुर इतम लहजे में बोला ठीक है फिर जैसे तुम्हारी मर्जी हम को तुम्हें बस एक बार वार्न करना था हम पर अब तुमसे डट कर जहाँ करना लाजमी हो गया तुम शायद भूल रहे हो तस्मीर खान अगर नफरत करने पर आए तो फिर अपने घर के बंदे को भी नहीं छोड़ता गुल धमकी अमेज लहज में कहता उसके करीब है बिल्कुल ऐसे ही है गुल लेकिन मुझे लगता है तुम भी शायद भूल गए हो कि मैं भी एक खान हूँ तुमसे तुम्हारी टक्कर की ही दुश्मनी नहीं पाऊँगा मजा आएगा तुमसे लड़ने तस्मीर सताशी अंदाज़ में बोला इतनी हवाओं में मात तोड़ो बच्चे मैं गुल खान हूँ तुम मैं तुम्हारी, तुम्हारी कमजोरियों से मारूंगा तुमने ना सिर्फ ये ज़मीन मुझसे छीनी बल्कि मेरे इतने अरसे की मेहनत पर पानी फेर दिया गोल खान चिल ऐसे बोलो ना कि मैंने तुम्हारे इतने अरसे की बेगैरती को रोक दिया है तुम्हें क्या लगता है मुझे मालूम नहीं कि तुम यहाँ एक होटल बनवाना चाहते जहाँ तुम मासूम लड़की को कैदी बनाकर लाना चाहते थे और उस होटल में तुम हर बुरे काम के लोगों से दब्बल और हराम का पैसा कमाना चाहते थे तस्मीर मुतमिन शक सा कहता सामने खड़े शख्स के पैरों के नीचे से ज़मीन निकाल रहा था और जहाँ तक रही कमजोरियों की बात तस्मीर का इतना हल्का नहीं है कि अपनी कोई कमजोरी रखे और अगर उसकी कोई कमज़ोरी हुई भी तो आज तक कोई उसे जान नहीं सिखाए तुम बकवास कर रहे हो तुम्हें क्या लगता है मुझे नहीं मालूम तुम्हारी एक बीवी भी है तो क्या तुम उसे कुर्बान कर सकते हो अपनी इस ज़मीन के लिए अभी वो बोल ही रहा था जब तस्मीर झटके से उठता बंदूक सीधी उसकी पिशानी पर रख गया जबान संभाल लो गुल खान नहीं तो तेरी इसी जबान को काट कर क्लाके के कुत्तों के आगे डाल दोगा तस्मीर सब आंखों में सुर लिए के लिए चिल्लाया जबकि गुल खान को उस वक्त अकेले होने के बाद अपनी जान जाती हुई महसूस हुई नई तस्वीर बाबा छोड़ दें इसे जानने दें जब एक उधेड़ उम्र शख्स जिसका नाम भी उमर खानी था उसे दोनों हाँसों से थामता बोला हटे उमर साहब मैं जान से मार दूंगा तो उसे तस्मीर दाड़ा नहीं बाबा ये अभी मुआफ़ी मांग लेगा आपसे लेकिन आप जाने दे आगा जान आपको उस हरकत के लिए कभी मुआफ़ नहीं करेंगे उमर से याद याददानी करवाने लगा मैं मुआफ़ी चाहता हूँ गुल खान फौरन से बोला जिस पर तस्मीर एक ज़ोरदार झटके से उसे छोड़ता लंबे लंबे डाक बढ़ाता आगे की तरफ बढ़ गया जहाँ के पीछे गुल खान चेहरे पर खबासी मुस्कुराहट जाए उसे जाता देखने लगा जो अनजाने में उसे अपनी कमजोरी से आगाह कर गया था हाँ तस्मीर खान की इज्जत उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी और अब शायद कुबरा तस्मीर खान भी अब उसकी इज्जत बन चुकी थी वो सुबह से किचन में घुसी खीर बनाने की तैयारी कर रही थी कुछ देर में वो रुखसाना बेगम और सलमा बेगम हिदायत लेने को बाहर की तरफ जाती क्योंकि अम्मा जान ने सबको किचन में जाने से मना कर दिया था सिवाय फ्री के जो कब से उसके किचन से निकलने का इंतजार कर रही थी किस्मत भी शायद आज उस पर मेहरबान थी कुबरा जैसे ही चीनी का पूछने किचन से निकली फ्रिदे ने मौका को गनीमत जाना था और जल्दी से नमक का डब्बा उसमें उलट दिया फ्रिदे आप आप ही चाह लेना आपको ज्यादा अंदाज होगा तभी कुबरा वापस आकर उनसे मुखातिब नहीं बेटा मुझे तो शुगर है मैं मीठा कहाँ खा सकती हूँ वैसे भी तुमने बनाई है तो, बना तो जहज ज़रूर मजे की ही होगी फ्रिदे मुस्कुरा कर बोले जिस पर वो भी महज मुस्कुराती काम मुकम्मल होने पर वो थकी हारी रूम में दाखिल हुई सुबह के बाद वो अब रूम में आई थी लेकिन सामने का मंजर देख कर उसकी आँखें सुर्ख हुई थी वो रूम का हशर नशर करके गया था गया उसके कपड़े बखेरे थे बेड की चादर फर्श पर जोर रही थी ड्रेसिंग टेबल पर रखी चीज़ें एक दूसरे पर गिरी हुई थी आतमीर गुस्से में चिल्लाती वो आराम इरादा तब्दील करती काम में मसरूफ़ हो गई खाने के टेबल पर सब उसकी खीर के मुंतजर थे अम्मा जान अपने प्लान के कामयाब होने की खुशी की मंतजर थी जब वो खीर लेकर टेबल पर आई सबसे पहले मंजाजी खुदा को खिला दो स्वाब मिलेगा रूहान शारा से बोला जिस पर उसे गूर कर रह गए आखिर जान के बाद वो सबसे पहले खीर तस्मीर की प्लेट में डाल गई उसके बाद बारी बारी सब की प्लेट में डालती वो तस्वीर के साथ वाले सीट संभाल गई चले अब खाकर देखते हैं कि अब जिंदा बचने वाले हैं या नहीं रूहान हनूस शरत अंदाज़ में कह रहा था कम अज़ कम तुम्हारे मुँह से तो अच्छी ही बनाई होगी मेरी बहन ने जून से चेट लगाता कहना जिस पर सब का जानदार कह का गूंजा हम माशाल्लाह माशाल्लाह खीर तो बहुत अच्छी बनाई है हमारी बेटी ने आगा जान की पुरुष मसरूर आवाज़ गूंजी उसके पर बारी बारी सब ने ही उसकी तारीफ की थी जिस पर अम्मा जान का चेहरा फीका पड़ा हैरत से खीरका बनवाला जो वाकई में बेहद मज़ेदार थी अच्छी बनी अम्मा जान मैं इतना ही कह पाई सब की तारीफ सुनकर कुबरा ने एक ने नजर तस्मीर पर डाले सुर अंगारा होती आँखें लिए वो खान मैनेशन में दाखिल हुआ जब नब्बा सामने किचन में काम करती कुबरा पर गई साबस सूट में बालों को जोड़े में कैद किए वो मसरूफ सी चीज़ें समेट रही थी उसको देखती वो बेख्तियार नजरें दूसरी जानब कार गया वो इस वक्त मसरूफ़ सी सीधा उसके दिल में उतर रही थी बना लिया तुमने तो जहर रूम में जाने का इरादा तार करके उसके कदम खुद बो किचन की जानब बढ़े मैंने तो खीरी ही बनाई है हाँ अबतः जो खुद जहरीले हों उन्हें जहर लग सकता है कुबरा उसके रूम वाली हरकत पर जली कटी बोली तुम तो छाओगी नहीं मैं खुद ही चाख लेता हूँ तस्मीर आम से अंदाज़ में कहता चम्मच मुँह में रख के तुमने तो वाकई जहर बनाया तस्वीर हैरत दसा बोला अब अगर आपने एक बार और ये बात की तो अच्छा नहीं हो कुबरा उसे घूर कर कहती उससे करीब यकीन करो मजाक नहीं कर रहा बहुत जहर बनी है। ये लो चाख लो वो मौसुमी से बोलता चम्मच उसके मुंह के आगे कर गया जिसे वो उसे घूर कर चख ये नमक किसने डाला खीर चखते वो परेशानी से कह हाँ तुम्हारी तरह तुम्हारी कोई चुड़ैल दोस्त आई होगी उसने डाल दिया होगा तस्मीर जल जलकर बोला मैं क्या करूँ सारी मेहनत जागी अम्मा जान बहुत सुनागी मुझे कुबरा रोते हुए सर थाम जब तस्मीर की नज़र उसके आंसू पर गई थी रो क्यों रही हो मैं हूँ ना अभी सब ठीक हो जाओ आओ इधर तस्मीर उसके बाजू थमे मैं से बोला जब कुबरा नजर उठाकर उसे देखा जिस पर वो मुस्कुरा मुस्कुरा कर उसके आंखों से टूटने वाला मोती अपनी उंगली के पोर से साफ कर गया वो खुद भी नहीं जानता था उसे कुबरा की आंखों में ये आंसू इतने बुरे क्यों लग रहे थे कुछ देर पहले गुजारे लम्बे उसकी आंखों में गूंजे तस्मीर ने कुछ बोला ही नहीं कह कैसी बनी है सलमा बेगम उसे खफरी से देखती बोली बहुत अच्छी बनी है बस जरा नमक थोड़ा तेज़ है तस्मीर कंधे उछका कर कहने लगा जिस पर एक बार फिर सबका का कहका बुलांदा खीर में नमक नहीं होता बेटा रुखसाना बेगम मोहब्बत से बोला जी बिल्कुल छोटी माँ लेकिन कुछ लोग खीर में भी डाल ही देते हैं नमक तस्मीर आम से अंदाज़ में कहने लगा जबकि उसके अंदाजे से फ़रीदे को भी अपनी जान हवा होती महसूस हुई भाई तो आज कल बड़े मजाकी हो गए हैं रूहान उसे कंधा मारे बोला जब वो उसे घोरी से नवाजता खाने में मसरूफ़ हो गया रात के तकरीबन दस बजे वो कमरे में दाखिल हुआ था कुबरा उससे पहले आज कुछ रूम में दाखिल होती एक फ़ातेहाना मुस्कुराहट उसके लबों पर रेंगी थी तो उसका मतलब मिसेज कुबरा आज पूरे दिन काम करती रही है वो मजे से कहता वाश रूम की तरफ कदम बढ़ा गया लेकिन सामने के मज़ा उसके लिए नाकबिल यकीन था मुस्कुराहट की जगह चेहरे पर एक सख्ती ने ले, ले ली ये सब किया है वो धाड़म क्या हुआ है? इतना शोर क्यों का है कुबरा अपनी मुस्कुराहट दबाए ना समझी से बोले ये सब किया किसने किया है तस्वीर अपनी अलमारी की तरफ इशारा करके जहाँ उसका आज सुबह फैलाया हुआ सारा गंद उसकी अपनी अलमारी के आगे सजा हुआ था वही है जो आपने सुबह फैलाया था अब दो मिनट से पहले पहले साफ़ करें ये मुझे ये कमरा गंदा नहीं चाहिए कुबरा गंदे उछका कर कहती आगे बढ़ गए जब तस्वीर ने उसका हाथ थाम कर उसे अपनी तरफ खींचा शर्म नहीं आती तुम्हें मैं इतना थक करें तुम अपने शोर का एक काम भी नहीं कर सकती तस्वीर आँखें की उसे देखने लगा करती ज़रूर करती अगर आप अपने ये सब जानबूझकर नहीं किया होता आइंदा इतना इतना फालतू तो दिमाग चलाने से पहले ये सोच लीजिए कि सामने कुबरा तस्मीर खान है बोलते बोलते उसे अंदाज़ा भी नहीं हुआ वो उसका नाम अपने नाम से जोड़ गए थे एक शरारती मुस्कराट तस्मीर के चेहरे पर रंगे क्या आई I मीन mean, कुबरा अब्बास खान समझे अब की बार वो उसके नजरों से कन्फ्यूज़ होती जीप कर बोले मैंने कुछ कहा तस्मीर हनोज जूमानी अंदाज़ में बोलता उसके मजीद करीब हुआ हाँ तो ऐसे क्यों देख रहे हो मैंने कुछ गलत नहीं किया अब जाएं वो शरारती नजरों से देखता उसे मजीद कन्फ्यूज़ कर गया था तुम जा नहीं कॉँप देती हो मैं तो जा रहा था फ़्रेश होने लेकिन तुमने ये सब फैलाकर मुझे रोक लिया तस्वीर उसके चेहरे पर आई कुछ शरारती लीटरों को पीछे करता गंभीर लहजे में बोला मैं कर दूँगी साफ़ आप जाएँ फ्रेश हो जाएँ कुबरा उसे पीछे कर गया हाँ तो ये बात तुम पहले भी कह सकती थी ना फजूल में अपनी जान हलकान की तस्वीर अपना प्लान कामयाब होने पर उसकी हालत से महसूस होता सीधा वाशरूम की तरफ भागा था लफर के आह कुबरा आह क्या जरूरत थी कन्फ्यूज़ होने की ख़ुद को कुश्ती वो कपड़े समेटने लगी थी खवतान हजरात वीडियो देखने का शुक्रिया अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल के आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आपको आने वाली वीडियो के अपडेट सबसे पहले मिल सकें खुदाफिज